السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني फाउंडेशन के तहत मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ का इनेकाद वक्तन फ़वक्तन किया जाता है, जिसमें हेल्थ कैंप्स का इनेकाद, नेचुरल कैलेमिटीज़ में इंसानियत की खिदमत करते हुए बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद करना, स्कॉलरशिप तलबा को स्कॉलरशिप से नवाजना जैसे अहम काम शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन ने खालिस इल्मी कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है। गुज़िश्ता साल का सेमिनार जो उर्दू तिब्बी तराजीम मेयार व मीज़ान के मौजू पर था, आज का सेमिनार तिब्बी मखतूतात मसाइल व वसाइल इस बात का गम्मात है कि इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन न सिर्फ हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए कोशा है
बल्कि तिब्ब यूनानी की इल्मी मीरास को आगे बढ़ाने और उसमें अपना ख़ास कंट्रीब्यूशन अता करने के लिए भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। मैं दरख्वास्त करूँगा हकीम मोहम्मद तारिक इस्लाही सदर इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन से कि वो खुतबा इस्तिग़फ़ारिया पेश करें। इस्लामी हेल्थ केयर फाउंडेशन HIF दूसरी समाजी खदमात के अलावा तिब्बी यूनानी के फरोग के लिए हमेशा कोशा रही है। तिब की तरक्की और इसकी नशरशात में तर्जुमे की अहमियत तस्लीम करते हुए फाउंडेशन ने इस बार मनसूब किए जाने वाले अपने 2 रोज़ा बैन अवी सेमिनार का मौजूद तिब्बी मखलूत मसायल वसायल को मनाया है। ये सेमिनार 4 और 5 फरवरी 2017 निज़ाम इस्लामिया के FTKC IHR में मुनक़द आज किया जा रहा है। IHF इस सेमिनार के इनका में कौमी कौंसल बराए फरोग उर्दू ज़बान NCPUL का माली तान हासिल रहा है। इसके लिए इदारा कौमी कौंसल का शुक्रगुजार है। कौमी कौंसल उर्दू के फरोग के ताल्लुक से मुल्क भर में इस किस्म के सेमिनार मुनक़द करने में हर साल मुतअल्लिक़ इदारों और तंजीमों को माली तान फराहम करता रहा है। इदारा कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के फाल्ट डायरेक्टर प्रोफेसर इफ्तिज़ा करीम साहब से मुतालबा करता है कि अरबी डिप्लोमा और कंप्यूटर डिप्लोमा की कोर्सेज को इस्लाही हेल्थ केयर के तस्वीर करें ताकि इन कोर्सेज के जरिए इदारा इल्मी एतबार से भी अपनी खदमात अंजाम दें। मोहतरम हजरात, इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन एक ऐसी गैर सरकारी रफाही तंजीम है जिसके पेश नज़र तिब्बी यूनानी के फलाह और दुरूद के साथ ज़ुबान की तौसी भी है। ये एक हकीकत है जो पूरी तरह वाज़ा है कि उर्दू की तामीर तबीर में मदारस इस्लामिया और मुल्क की सतह पर तिब्बी खदमात तिब्बी खदमात अंजाम देने वाले कार्यों का बड़ा अहम रोल रहा है। किसी भी यूनानी कॉलेज में उर्दू के बगैर दाखिला मुमकिन नहीं है। इन इदारों में दूसरे मजामीन के साथ मंतिक को फलसफा की तालीम भी उर्दू में दी जाती है ताकि तलबा तिब के उसूल और नज़रियात को समझना आसान हो जाए। इसलिए ये मुमकिन नामुमकिन है कि कोई तबीब हो और उर्दू से ना बलद हो। इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन ने तवील मुद्दत में कई अहम काम किए हैं। वो वक्तन फ़ौक्तन सेमिनार करती है। अब तक इसने 3 कौमी सतह के सेमिनार और 2 बैनुल अक़वामी सतह के सेमिनार मुनक़द कराए हैं। ये तमाम सेमिनार
दो रस्म नतज के हामिल रहे हैं और पढ़े लिखे तबके में इनको काफ़ी सराहा है। फाउंडेशन ने हाल ही में कौमी काउंसिल टाउन से एक आलमी सेमिनार बनवान तरफ उर्दू तिबी तराजुम और मियार मीज़ान मंसूब किया था। इससे पहले उर्दू के फरोग में तबी अदबा और शोरा का हिस्सा मंसूब किया था, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के वाइस चांसलर मोहतरम प्रोफेसर तलत अहमद ने फाउंडेशन के मुतालबे को तस्लीम करते हुए जामिया में हकीम अजमल खान चेयर के क्याम का वादा किया था, जो फाउंडेशन की तरफ से मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की बेहतरीन खराज अकीदत है। आज इस मौके पर इदारा सदर मजलिस जनाब ए पी सिद्दीकी साहब जामे मिलिया इस्लामिया से गुजारिश करता है कि शेखुल जामे ने जिस चेयर के क्याम का वादा किया था इसे अमली तौर पर कायम करने का मुतालबा करता है। फाउंडेशन रफाई कामों में पेशरफ रही है। आसमानी आफात और कौमी सानहा के मौके पर तिब्बी कैंप लगाकर जख्मी और लाचार अफराद की मदद करती है। इसने मुजफ्फरनगर यूपी में फसाद के मुतासरीन की खदमात फराहम की, कश्मीर और उत्तराखंड में फैला मुतासरीन की मदद की। कुछ अर्से कबल नेपाल में भयानक जल्जला आया था जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। फाउंडेशन ने उनके लिए भी जरूरी दवाइयां भी पहन पहुँचाई और मुमकिन हद तक बेसहारा लोगों की सेहतयाबी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी। इन रफाई खिदमत के अलावा फाउंडेशन ने मुख्तलिफ मौजूदा पर तिबी और गैर तिबी किताबें शाये की। स्वच्छ भारत अभियान और इन सिदात मुंशियात की मुहिम को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। इस इदारे की शुरू से कोशिश रही है कि अपनी खिदमत को किसी एक प्लेटफॉर्म तक और एक ही कामों की तरफ मौजूद ना रखे, बल्कि हर मुमकिन तरीके से हर सतह पर मुल्क की खिदमत को अंजाम देने के लिए अपने को हम तैयार रखे। आज इस मौके पर इस किताब को जो सेमिनार में पढ़े गए मकला का मजमू है बाबा अस्तगान जी की खिदमत में पेश करते हुए मुझे बेहद मुसरत हो रही है। अगर मेरी काविश पसंद आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। मोहम्मद तारिक इस्लाही खान, अफसोस के साथ ये इतला आप लोगों को फराहम करनी पड़ रही है कि आज के महफिल के सर जनाब अहमद बयाम सिद्दीकी साहब अपनी नासाजी दवा की वजह से इस महफिल में तशरीफ नहीं ला पा रहे हैं। इतला मिली कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। हकीम मोहम्मद तारिक इस्लाही साहब ने कुछ मुतालबात का भी जिक्र फरमाया। मैं अपनी मालूमात की हद तक ये बताना चाहूँगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया से पिछले दो सालों में तिब्बे यूनानी का एक नया रिश्ता उस्तवार हुआ है। यूँ तो इस इदारे को हकीम अजमल खां और तिब्बे यूनानी से गहरी वाबस्तगी हमेशा से रही, लेकिन पिछले दो सालों से यहाँ हकीम अजमल खान साहब के नाम से मंसूब एक इदारा जो कि तिब्बे यूनानी में इल्मी तहकीक के लिए मखसूस है वो उसका क़याम अमल में आया और ये जामिया मिलिया इस्लामिया और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का एक मुश्तरक प्रोजेक्ट है। तो यह और पीएचडी यूनानी दो मजामीन में इल्मुल अदविया और मालिजात में भी इस साल से शुरू हो चुका है ये प्रोग्राम। तो इस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनानी टिब और उससे वाबस्ता शख्सियात के एतराफ़ की कोशिशें शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा। इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन ने अपनी खूबसूरत रिवायतों के साथ एक नई रिवायत को जारी करने का सिलसिला शुरू किया है।
जिसके आज एक झलक हम सुनेंगे। इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन ने अपने मकासिद को और अपने पैगाम को तरन्नुम रेज अंदाज में हम तक पहुंचाने के लिए एक तराने की तकलीफ की है। इसके अशआर उबैद आजम आजमी साहब ने कहे हैं, मौसीकी परवीला जैन एसोसिएट्स ने तरतीब दी है। मैं गुजारिश करूंगा कि ये तराना मेहमान और सामने की खिदमत में पेश किया जाए। मख्तूतात की अहमियत खास तौर से उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो कमयाब और गैर मतबूआ। तिब यूनानी के तनाजुर में बात करें तो ये मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ मकामात से
होती हुई हिंदुस्तान में पहुंची। अरबी, फारसी और उर्दू में आज इस दीप के मक्तूतार लातादाद मौजूद हैं। मारूफ कुतुब खाने तो जखीरे की हैसियत रखते ही हैं, लेकिन असल मसला है कि जो जिन जखायर तक आम लोगों की रसाई नहीं है या जो जिनको हम अभी तक निशानदेही जिनकी नहीं कर पाए हैं उन तक पहुंचना और उन मखबूतात में मौजूद इल्म और हिकमत के ख़जाने से इस्तेफादा करना, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। यही मसाइल और वसाइल